नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। नमस्कार, आज हम आए हैं मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन हरियाणा शिक्षा सदन पंचकुला में, जहां पर आज हम एसोसिएशन के महासचिव उप प्रधान श्री अशोक यादव जी से बात करेंगे। अशोक यादव जी अभी फिलहाल 2 महीने पहले ही इनकी एसोसिएशन ने चुनाव जीत कर अपने मुद्दों को रखा है और कई मुद्दे तो उन्होंने हल भी करवाया है। यादव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। इलेक्शन को हुए कितना टाइम हुआ? सर ऐसा है कि हमारा इलेक्शन 4 अगस्त को संपन्न हुआ था और उसी दिन हमारे चुनाव के परिणाम आ गए थे। इसमें 6 पदों का चुनाव हुआ था, जिसमें हमारी यूनियन के प्रधान श्री राजीव जोली जी और मेरे को जो है उप प्रधान की भूमिका दी गई है। श्री हरीश कुमार जी को महासचिव की भूमिका दी गई है और उसके बाद हमारे ज्वाइंट सचिव संयुक्त सचिव ओब्लिक कैशियर श्री धर्मेंद्र कुमार जी को, उसके साथ ही सचिव के पद पर पवन कुमार जी को चयन किया गया है और संयुक्त सचिव पर श्री दिनेश कौशिक जी को भूमिका हमारी हाउस की कार्यकारिणी द्वारा दिया गया है। लगभग 2 महीने हो गए, 2 महीने में एसोसिएशन ने कुछ किया है? जी बिल्कुल, एसोसिएशन अपने कार्य स्टार्ट कर दिए हैं। एसोसिएशन ने बहुत मामलों में, सबसे पहले जैसे मोदी जी का भी हमारा है स्वच्छता साफ सफाई अभियान, तो उसके तहत हमारे पार्किंग एरिया में काफ़ी गंदगी थी, वो हमने हमारे डिपार्टमेंट के केयरटेकर के सहयोग से वीएमसी पंचकुला के सहयोग से साफ सफाई करवाई। उसके बाद हमारा जो सबसे बड़ा इश्यू था कर्मचारियों की पदोन्नति, क्लर्क से सहायक के पद पर जो पदोन्नति के काफ़ी पद खाली पड़े थे लंबे समय से, तो उसमें 5 साल की कंडीशन है कि 5 साल का क्लरिकल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ऐसी स्टेज पर हमारे पास ऐसे एलिजिबल कैंडिडेट नहीं थे। 2014 में एक भर्ती हुई थी रेगुलराइजेशन के तहत, जिनको रेगुलर किया गया था, उन पे कोर्ट का कुछ सुप्रीम कोर्ट का स्टे चल रहा है, तो उस रिगार्डिंग उस कारण से उन लोगों को बेनिफिट नहीं दिया जा रहा था। इसी प्रकार से 2018 में जो लोग लगे थे उनको 5 साल का कार्यकाल उनका पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन कोर्ट वाले मामले में तो दखल नहीं दे सकते थे स्थिति में, तो जो लोग 2018 में नियुक्त हुए थे उनको विभाग ने एक एक साल का रिलैक्सेशन देके 10 हमारे कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ दिया है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे 2-3 कर्मचारी साथी थे जिनको पनिशमेंट के तौर पर वेतन रोकने जैसी प्रक्रिया उनके साथ हो रही थी। जून के महीने से वेतन रुका हुआ था। हमारे निदेशक महोदय से हमने अपील की और हमारे जो प्रशासन शाखा है जो इस टाइप के काम डील करते हैं उनके सहयोग से हमने कल ही ऐसे मामलों में 2 कर्मचारियों का वेतन निकलवाने का भी काम किया है। अच्छा, हर संघ जो एसोसिएशन होती है, हर यूनियन जो होती है उसकी अपनी अपनी सबकी डिमांड होती है, वो लगभग सब कुछ सेम ही होती है। आपकी यूनियन की कोई कुछ अलग डिमांड है जो कि सरकार से कुछ अलग डिमांड? जी बिल्कुल, हमारी यूनियन यहाँ प्राइमरी शिक्षा सेकेंडरी शिक्षा के साथ उच्चतर शिक्षा का हमारा ये पूरा कैडर है, जिसके रिगार्डिंग हमारी यूनियन कर्मचारियों के हित में काम करने के लिए यूनियन का गठन हुआ है। हमारे यहाँ कर्मचारी और जो हमारे अधिकारी हैं उनके बीच समन्वय स्थापित करने के लिए यूनियन का गठन किया जाता है। कर्मचारियों की भी परेशानी होती है, समय समय पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे हमारा सबसे अहम मुद्दा है हमारे सहायक के पद अब भी 40 के लगभग खाली हैं, 10 को बेनिफिट बिल्कुल सरकार ने दिया है, निदेशालय ने दिया है, उसके बावजूद भी पद खाली है। सहायक हमारा बहुत अहम पदोन्नति है और रीढ़ की हड्डी है इस कार्यालय में काम करने के लिहाज से, तो जब तक 40 असिस्टेंट और पदोन्नत नहीं होंगे, जो फिलहाल भी सहायक के पद पर कार्य कर रहे हैं उनको भी वर्कलोड महसूस हो रहा है, उनके कारण हमारे हमारे कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासन कार्रवाई हो जाती है, क्योंकि कोई ना कोई काम रह जाता है वर्कलोड दबाव के कारण, सारे कर्मचारी दबाव महसूस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चाहते हैं जो हमारे शेष बचे हुए 40 पद हैं बाकी कर्मचारियों को भी
एक साल से आगे बढ़कर डेढ़ दो साल की रिलैक्सेशन भी अगर देनी पड़े तो रिलैक्सेशन देकर उनको पदोन्नति दी जाए। इसके साथ हमारा एक जो पूरे हरियाणा का पूरे देश का ही मुद्दा है पुरानी पेंशन बहाली। तो सभी कर्मचारी चाहते हैं पुरानी पेंशन बहाल हो, क्योंकि नई पुरानी पेंशन का सबको पता है बहुत ज़्यादा अंतर है। इसमें पेंशन की कोई निश्चित गारंटी नहीं है। ज़्यादा इसमें मैं अंदर नहीं जाऊँगा, मोटे मोटे तौर पे बता देता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि इसमें मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं है। तो इस प्रकार की अनेकों समस्याएँ हैं पुरानी पेंशन और न्यू पेंशन के बीच काफ़ी फर्क है। इसलिए सभी कर्मचारी चाहते हैं कि सरकार हमें वापस पुरानी पेंशन दे। कई राज्यों में लागू भी पे हमारा जो है पुरानी पेंशन संघर्ष समिति हरियाणा काम कर रही है, जिसके प्रधान श्री विजेंद्र धारीवाल जी हैं, जिसकी अगुवाई में काम कर रहे हैं हम। 1 नवंबर को हिसार में श्री दुष्यंत चौटाला जी के सामने वादा याद दिलाओ रैली का भी हमने आयोजन किया है, करना है अभी आने वाली 1 नवंबर को। तो उसी रिगार्डिंग में जिला पंचकुला की तरफ से भी ये सौभाग्य की बात है कि संगठन सचिव का की भूमिका में मैं काम कर रहा हूँ, और इस मांग को हम जोर शोर से सभी कर्मचारी रखते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी मांगे हैं। महिला कर्मचारियों को 5 बजे के बाद या शनिवार रविवार के दिनों में हम चाहते हैं उनको ड्यूटी कई बार करनी पड़ जाती है वर्कलोड के कारण, तो उनको कम से कम छूट दी जाए, क्योंकि महिला कर्मचारी उनको घर भी देखना होता है, घर में खाना बच्चे सब उन पे डिपेंड होता है। वो आप और हम सब भली बातें जानते हैं, ये हर घर की बात है। इसके अलावा हमारी जी मांग ये रहेगी कि कच्चे कर्मचारियों को भी पक्का करने की हम सरकार से अपील करेंगे। और इसके साथ ही हमारे उच्चतर शिक्षा में मेन मुद्दा हमारा घूम फिर के आता है जी सहायक की पदोन्नति का जो मामला है। उच्चतर शिक्षा में भी सहायकों की कमी है, तो वहाँ पर रूल 25 का कोई हवाला देके और क्लर्क साथियों से ही सहायक का काम करवाया जा रहा है, जबकि उनको फाइनेंशियल कोई बेनिफिट नहीं है। उल्टा नुकसान है कि इस काम को एक तो उनको अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इस काम को करते हुए उनसे कोई गलती हो जाती है तो उनको पनिशमेंट मिलेगी, अगर उनको पनिशमेंट मिलती है तो उनकी समय पे पदोन्नति भी नहीं होगी, तो इसका बहुत भारी नुकसान है। तो हम चाहते हैं उनको रूल 25 के तहत काम ना दिया जाए, बल्कि उनको रिलैक्सेशन देके प्रमोट करने का काम करे निदेशालय और सरकार। ये हमारी मांगे हैं। एक आप बीच में कह रहे थे कि जो आपके ऑफिस में लगभग 900 एम्प्लॉई आपका 5 डे भी है, लेकिन फिर भी आपको वर्कलोड इतना होता है कि आप परिवार को समय नहीं दे पाते। तो कुछ ऐसे भी कुछ आप डिमांड करते थे सरकार से कि समय देने के लिए कुछ आपके लिए प्रोग्राम बनाए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इस बारे में हमने अपने हाउस की मीटिंग में भी ये चर्चा हुई थी कि जैसे कि हमारा कार्यालय है वो 9 से 5 हमारा वर्किंग आवर है और 5 डे वर्किंग है, तो ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि पूरे साल में हमारी कभी छुट्टियां नहीं होती हैं, तो हम अपने परिवार को अपने घर वालों को समय नहीं दे पाते। तो हम चाहते हैं ये सरकार से हम मांग करेंगे, सरकार के सामने हम मेमोरेंडम भी भेजेंगे कि हर एक हेड ऑफिस की ही बात है, ये पर्टिकुलर सिर्फ इस निदेशालय की बात नहीं है, सभी कार्यालयों में कर्मचारियों को एक स्पेल के तहत 5 डे 10 डेज 15 डे जो भी सरकार को जिस पे भी सहमति बने उस अनुसार छुट्टियां दी जाएं, आधा स्टाफ करके जैसे भी प्रोविजन बने, ताकि हम लोग अपने परिवारों के साथ अपने बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने जा सके, क्योंकि 2 दिन में बंदा कहीं कहीं नहीं जा सकता। और जब बंदा घूम फिर के जब आएगा रिफ्रेश हो जाता है, उसका परिवार भी सहमत है, तो वो अच्छी पूरी एनर्जी के साथ दफ्तर में काम करने में सक्षम होगा। तो अभी फिलहाल आपके यूनियन के चुनाव को भी 2 महीने बीते हैं, अभी आपके पास 22 महीने पड़े हैं। 22 महीने में क्या लगता है आपको कि जितनी मांगे आपने रखी हैं उसमें से कितनी मांगों को सरकार मान सकती है? देखिए जी, ऐसा है, हमने जो भी मांगे हम रखी हैं और रखने जा रहे हैं, हमने कोई भी मांग ऐसी नहीं रखी है जिसमें सरकार को कोई फाइनेंशियल लॉस हो या सरकार के कार्य पे कोई विपरीत प्रभाव पड़ता हो। हम चाहते हैं सरकार और कर्मचारियों के बीच समन्वय रहे, कर्मचारी भी खुशहाल रहे, और हम लोग खास करके निदेशालय में काम करने वाले लोग सरकार के बहुत ही अहम कर्मचारी होते हैं, क्योंकि इनके स्तर पर ही सरकार की पॉलिसियाँ लागू करने का काम किया जाता है। तो बिल्कुल आने वाले 2 साल में हमने काफ़ी कुछ काम किए हैं, जैसे कि हमारे एक यहाँ आरओ की एक पोस्ट लगभग 10 से 12 साल
से खाली पड़ी थी वो, उस पर अभी हमारे मैडम हैं श्रीमती कमला जी, उनको अभी रिसेंटली सरकार ने पदोन्नति का लाभ दिया है। तो इस प्रकार के बहुत काम, 4-5 काम हुए भी हैं इस 2 महीने के कार्यकाल में। बाकी हमने निदेशक महोदय को भी हम मिलते रहते हैं, समय समय पर मेमोरेंडम भी दे रखा है, और इसके साथ ही हम माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से भी बात करेंगे, और मुख्यमंत्री महोदय से भी अगर बात करने की आवश्यकता हुई तो उनसे भी बात करेंगे। सारी मांगे हमारी जायज़ हैं और सरकार के और कर्मचारियों के हित की बातें हैं, राज्य के हित की बातें हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि आपको निदेशालय की ओर से भी हेल्प मिल रही है? जी बिल्कुल, अभी तक बहुत अच्छा, जो 2 महीने का मेरा ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है, जो 2 महीने का अनुभव रहा है, उनके सहयोग के बिना तो देखो कोई भी कार्य होना लगभग असंभव है। उनके सहयोग से और उनके चाहने से ही कर्मचारियों को लाभ भी मिलेंगे, और कर्मचारी कोई टकराव करने के लिए नहीं आता है, कर्मचारी अपना काम करने के लिए कार्यालय में आता है। कोई भी कर्मचारी नहीं चाहता कि हम कोई जिद बहस या इस टाइप की बातें करें। तो अधिकारी फिलहाल बहुत अच्छा चल रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारी मांगे छोटी छोटी मांगे हैं, कोई बड़े इश्यूज नहीं है, कहीं ना कहीं हमें चर्चा करने की आवश्यकता है, और वो हम जल्द ही आने वाले समय में हमारे प्रधान जी की अगुवाई में और पूरी कार्यकारिणी को साथ लेकर हम वो काम करने के लिए तत्पर है। जैसे कि आपने देखा कि यूनियन ने लगभग 10 से 12 जो मांगे रखी हैं अपने निदेशालय के सामने, जो कि कर्मचारियों के लाभ के लिए हैं, इसमें ज़्यादातर जो है महिलाओं को देखते हुए भी इन्होंने बहुत अच्छी एक मांग रखी है, जिसमें कि महिलाएं अपने परिवार को पूरा टाइम दे सकें और समय पर अपने घर जा सकें, ऐसी ही मांगों को लेकर इन्होंने आगे 22 महीने ये चाह रहे हैं कि 22 महीनों में मांगों को पूरा करने में सरकार भी इनकी मदद करें। मैं करमजीत सिंह, अर्थ प्रकाश लाइव, चंडीगढ़ से। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।